हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक प्रोग्राम माइंड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सेलेक्ट विद लिमिट, मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में या मतलब पर्टिकुलर टेबल में लिमिट के जरिए भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसका मतलब समझते हैं। क्या है, देखिए, द सेलेक्ट लिमिट इज यूज टू स्पेसिफाई सम नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू डिस्प्ले। मतलब ये सेंटेक्स देखिए, ये सेंटेक्स है और ये टेबल है। ये टेबल को देखिएगा पहले, ये टेबल है। आपके चाहते हैं कि इस टेबल में से पर्टिकुलर 3 रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब एक दो तीन, पूरी टेबल में से 3 टपल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, 3 रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट। आपको पहले कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, दूसरे कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, फ्रॉम टेबल का नेम, जो भी इस टेबल का नेम होगा वो लिखना पड़ेगा। फिर लिमिट, देखिए लिमिट ये कीवर्ड है, आपको लिमिट लिखना पड़ेगा। फिर रिकॉर्ड नंबर, आपको रिकॉर्ड नंबर लिखना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल देखिए, देखिए सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, मैं क्या चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करना, मुझे स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करना है और नेम सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल का नेम। देखिए एक्स वाई टेबल, इस टेबल का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। लिमिट चाहिए, लिमिट लगा दिए, लिमिट कीवर्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि तीन 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 रो सेलेक्ट करनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अगर मुझे 4 सेलेक्ट करनी है तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा मुझे। जैसे ही आप इस कमांड को टाइप करेंगे अपने एसक्यूएल में, तो आपके पास देखिए टेबल सेलेक्ट होकर आ जाएगी, क्योंकि मैंने 3 लिखा है तो ये 3 रो सेलेक्ट होकर आ गई है। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 सेलेक्ट होकर आ जाएंगी। प्रैक्टिकल करके देखते हैं और सीधा समझ में आएगा। ये मैंने अपना एसक्यूएल खोल लिया है। अब मैं कहता हूँ कि इस टेबल में से सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब एक फर्स्ट, मोहित, राज, राम और शिवांग वाले, सिर्फ इन 4 लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली कमांड टाइप करनी पड़ेगी, सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा कीवर्ड, उसके बाद एस टैग लगाया, उसके बाद फिर फॉर्म लिखा, फ्रॉम टेबल का नेम लिखना पड़ेगा। आपको टेबल का नेम, इसका नाम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखा, वहाँ पर स्टूडेंट लिखा। इसके बाद तो एंटर मारते हैं। अब यहाँ लिखते हैं लिमिट, ये लिमिट कीवर्ड है, मैंने आपको बताया था। अब आपको सिर्फ 4 रो सेलेक्ट करनी है यहाँ से, तो सिर्फ आपको 4 लिखना पड़ेगा। 4 लिखा, सेमी कॉलन लगाया, एंटर मारा, देखिए 4 रो सेलेक्ट हो गई है हमारी, क्योंकि हमें 4 रो सेलेक्ट करनी थी, हमारी 4 रो सेलेक्ट हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर कॉलम, मतलब पर्टिकुलर कॉलम से स्टार्ट करना है, मतलब कि आप चाहते हैं कि ये 2 से स्टार्ट हो या 3 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ लिखा सेलेक्ट, इसमें क्या करने वाले, पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इसलिए करेंगे, देखिए इसलिए लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, सेलेक्ट लिखा, उसके बाद एस्ट्रिक लिखा, एस्ट्रिक के बाद फ्रॉम लगाया, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखा, टेबल की नेम लिखने के बाद एंटर मारा। अब एंटर मारने के बाद हमें यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट। अब क्या करना है, आपको जहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए भाई टेबल देखिए, पहले पूरी टेबल देखिएगा, ये टेबल हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यह टेबल भी स्टार्ट हो 1 से, 1 से, देखिए यहाँ मैं 1 लिख तो रहा हूँ, लेकिन टेबल 1 से स्टार्ट नहीं होगी, 2 से स्टार्ट होगी। 2 से स्टार्ट क्यों होगी, क्योंकि देखिए जो आपका एसक्यूएल सर्वर होगा, ये 1 को 0 काउंट करेगा, 2 को 1 काउंट करेगा, 3 को 2 काउंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, 1 के बाद अब मुझे सिर्फ कितने दो चाहिए, यहाँ से 3 दो चाहिए, मुझे 4 तो चाहिए, तो यहाँ लिखा 4, सेमी कॉलन लगाया, एंटर मारा। देखिए इसने 2 से स्टार्ट करा है, क्यों, क्योंकि इसने 1 को 0 समझा था, 2 को 1 समझा था, इसलिए हमने 1 लिखा है तो ये 2 से स्टार्ट हुआ है, 4 लिखा है तो 5 से है, मतलब ये एसक्यूएल सर्वर 0 से स्टार्ट कर रहा है और हम 1 से लिख रहे हैं, इसलिए कर रहा है। आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से ही आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप पर्टिकुलर कॉलम को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं किसी कॉलम में। आई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।